और दूसरी हेडिंग इसमें डालेंगे भारत का विस्तार, दो नंबर पे हैं भारत का विस्तार। लाइन की कमी होती है तो हम इसी जगह से ले देते हैं, लिखना तो यहाँ से चाहिए लेकिन हम यहाँ से ले देते हैं तो आना चाहिए उसमें। तो भारत के विस्तार में आप देखेंगे बेटा, भारत एक विशाल देश है, विशाल देश है, भारत का उत्तर से दक्षिण, उत्तर जम्मू कश्मीर से लेकर, जम्मू कश्मीर के यहाँ से लेकर दक्षिण में कहाँ तक, कन्याकुमारी तक देखा जाता है। तो भारत की लंबाई उत्तर, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर, तथा पश्चिम से, पश्चिम का मतलब यहाँ कच्छ से लेकर पश्चिम 2,933 किलोमीटर है, 2,933 मतलब गुजरात के कच्छ से लेकर, यहाँ से देखेंगे बेटा गुजरात के कच्छ से लेकर ऐसे ऐसे जाते हैं यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश तक देखते हैं। भारत की जो चौड़ाई होती है, जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई मानते हैं ये कितना है 2,933 किलोमीटर, कितना 2,933 किलोमीटर है। तब देखा जाता है पूरे भारत का क्षेत्रफल, यहाँ से देखा जाता है तो पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे देखिएगा वर्ग किलोमीटर है। और सब जगह किलोमीटर, चूँकि ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसमें होता है वर्ग किलोमीटर में, और सबकी लंबाई चौड़ाई होती तो किसमें होता है किलोमीटर में, ठीक है। भारत के तटीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, तथा तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है, कितना तटीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है इसमें। जो असली, जो स्थल वाला, जो पानी के ऊपर जितना भाग दिखाई देता है, असल भाग दिखाई देता है वो कितना है, तो मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ गुजरात के, यहाँ गुजरात से लेकर ऐसे ऐसे आते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ उड़ीसा का पश्चिम बंगाल तक जाते हैं, तो वहाँ तक ले तटीय सीमा की लंबाई कितना होती है बेटा, 6,100 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब उसमें फिर पूछ रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्लस पकड़ लीजिए उसमें लक्षद्वीप, प्लस
पूरे भारत के तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर है। आप देखिएगा ये भारत का लगभग विस्तार हो गया। आप देखिएगा यहाँ से कह रहा है कि जम्मू से लेकर कहाँ तक, जम्मू से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई 3,214 किलोमीटर है, जबकि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। पूरे भारत का क्षेत्रफल देखा जाता है कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पूरे स्थलीय भाग की लंबाई जो होता है क्षेत्रफल होता है बेटा, लंबाई कितनी होती है बेटा, 15,200 किलोमीटर होती है, जबकि तटीय सीमा की लंबाई यहाँ गुजरात से लेकर पश्चिम, यहाँ नीचे की तरफ से आती है तो जाते हैं पश्चिम बंगाल तक भी, तो वहाँ तक भी तटीय सीमा की लंबाई कितनी होती है बेटा, 6,100 किलोमीटर होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देखेंगे यहाँ पे क्या है बेटा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जबकि यहाँ पे क्या है आप देखेंगे यहाँ पे लक्षद्वीप कहाँ, अरब सागर में क्या है, ये हमारा है अरब सागर, अरब सागर, और यहाँ है बंगाल की खाड़ी, मान लीजिए यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्लस लक्षद्वीप यहाँ है, कहाँ है अरब सागर में, लक्षद्वीप यहाँ है अरब सागर में, प्लस पूरे भारत तट सीमा की लंबाई कितनी होती है, 7,516.6 किलोमीटर होती है। अब तीसरी हेडिंग आप उसमें देखेंगे भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, अब देखिएगा भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, आपने उत्तर में देखा बेटा यहाँ पर क्या है, इससे दिखा दें आपको, उत्तर दिशा में देखेंगे तो कौन सा देश है, चीन, नेपाल एवं भूटान देश है, समझ गए किस दिशा में, उत्तर दिशा में क्या है, चीन नेपाल भूटान देश है, और दक्षिण दिशा में आप देखेंगे बेटा यहाँ पे क्या है, ये जो होता है एक श्रीलंका, श्रीलंका देश है, और पश्चिम दिशा में देखेंगे यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान, यहाँ पे क्या है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पश्चिम दिशा में क्या है, पाकिस्तान देश है, अफगानिस्तान देश है, जबकि पूर्व दिशा में यहाँ देखेंगे क्या है बेटा, बांग्लादेश, बांग्लादेश, और यहाँ क्या है म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं क्या कि पड़ोसी देश में हेडिंग में आप लिख सकते हैं कि भारत के उत्तर दिशा में चीन, नेपाल एवं भूटान देश हैं, कहाँ उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा कह रहा है तो तुम चीन नेपाल भूटान देश हैं, भारत की दक्षिण दिशा में श्रीलंका देश है, श्रीलंका देश है, कहाँ दक्षिण दिशा में देखेंगे तो कौन सा देश है, श्रीलंका देश, यहाँ पे भारत के दक्षिण में कौन सा देश है, श्रीलंका देश है। भारत के पश्चिम दिशा में पाकिस्तान एवं
पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान देश है तथा पूर्व दिशा में बांग्लादेश एवं म्यांमार देश स्थित है। ठीक, चार हेडिंग उसमें देख लीजिएगा क्या है। पड़ोसी सागर, पड़ोसी सागर में देखिएगा कि भारत के पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है, अरब सागर। भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर पूरब दिशा में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण दिशा यहाँ पर देखिएगा क्या है बेटा, ये हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कहाँ पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण दिशा में हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर, हिंद महासागर स्थित है बेटा, आप उसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। देखते हैं तो ये भारत का हमने स्थिति और विस्तार के बारे में आपको बताए कि भारत की जो आकार होता है और स्थिति क्या है। आकार और स्थिति में देखेंगे तो आकार में क्या होता है बेटा, यहाँ पे आकार बता दिए कैसा है, स्थिति में क्या है, स्थिति हमने बता दिया। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा यहाँ से देखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई है। उत्तरी अक्षांश रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरी है वो कितने राज्यों को काटती है बेटा, 8 राज्यों को काटती है। कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जैसा इसका एक सूत्र होता है मित्र पर गमछा छार, आप इसको लगा सकते हैं इस पर क्या, मित्र प र ग म छा झार, मित्र प गमछा झार। आप देखिएगा कौन 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 पूछता है कौन कौन से राज्य को कर्क रेखा काटती है, कौन सा, यहाँ पे देखिए मी है, क्या है, मिजोरम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से यहाँ पे देखेंगे गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ और यहाँ पे देखेंगे झारखंड। मतलब मित्र पर गमछा झार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वह राज्य कौन कौन से हैं, एक सूत्र के टाइप में आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा क्या, मित्र पर गमछा झार, इस तरह से इतने राज्यों से प्रवेश करते हैं। ठीक है, और जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, वह भारत के यहाँ से भारत का जो है कि बीचों बीच का मतलब होता है यहाँ से पश्चिम जाने पर समय घटता है, पूर्व जाने पर समय बढ़ता है। तो ये भारत का मानक देशांतर रेखा हो गई।
और भारत का विस्तार देखेंगे, भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। इसमें देखेंगे भारत की जो लंबाई होती है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई 3,214 किलोमीटर होती है, जबकि पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक भारत की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर होती है। यहाँ पर लिखा गया 2,933 किलोमीटर होती है। भारत का जो क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। भारत का स्थली जो जल के ऊपर वाला भाग दिखाई देता है, स्थली भाग की लंबाई जो होती है कितना होता है बेटा, 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय सीमा की लंबाई कितना होती है, तटीय मतलब गुजरात से लेकर यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक जाते हैं तो वहाँ तक तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर होती है। इसके साथ साथ देखा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्लस लक्षद्वीप को लेते हुए पूरे भारत तट रेखा की लंबाई कितनी थी, 7,516.6 किलोमीटर होती है। अब पूछता है पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों में देखा भारत के उत्तर दिशा में चीन, नेपाल, भूटान। भारत के उत्तर दिशा में चीन, नेपाल, भूटान देश स्थित है। भारत के दक्षिण दिशा में श्रीलंका देश स्थित है। भारत के पश्चिम दिशा में देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश स्थित है, जबकि भारत के पूर्व देश में क्या है, बांग्लादेश एवं म्यांमार देश स्थित है। बांग्लादेश एवं म्यांमार देश स्थित है। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी सागर, भारत की पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा भारत के दक्षिण में देखते हैं बेटा क्या है, हिंद महासागर स्थित है। अब इसके बारे में कल बताएंगे आपको, ठीक है।